विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न है कि खंड दो में जो संशोधन रामनारायण मीणा ने प्रस्तुत किया इसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हुआ है, जो विपक्ष में ना गए, ना पक्ष जीता ना पिछड़ा, संशोधन अस्वीकार किया गया। प्रश्न है कि खंड दो स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वो आ गए, जो विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता हाँ पक्ष जीता, खंड दो स्वीकार किया गया। खंड तीन, प्रश्न है कि खंड तीन में जो संशोधन श्री रामनारायण मीणा ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में आ गए, विपक्ष में ना गए, ना पक्ष जीता संशोधन अस्वीकार किया गया। प्रश्न है कि खंड तीन स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वो आ गए, विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता खंड तीन स्वीकार किया गया। खंड चार, प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे। प्राधिकरण की घोषणा की गई थी, उस प्राधिकरण की घोषणा में विधेयक कोटा रीजन को परिभाषित किया गया है। कोटा रीजन से अनुसूची में सम्मिलित शहरों, नगरों और गांवों की सीमाओं के क्षेत्र से अभिप्रेत है। राज्य सरकार समय समय पर राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा उस अनुसूची को ऐसी अधिसूचना में सम्मिलित किसी क्षेत्र को जोड़कर उसमें से हटाकर संशोधित कर सकेगी और तदुपरांत उपरांत क्षेत्र कोटा रीजन होगा। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं कि वो कोटा रीजन में सिर्फ कोटा जिले का ही क्षेत्र को शामिल किया जाए। क्षेत्र के भावी विकास, भविष्य की महत्वपूर्ण परियोजनाएं एवं प्रति क्षेत्र के अवांछनीय विकास को एवं नियंत्रण के दृष्टिगत आसपास के अन्य गांव, ग्रामों, कस्बों, शहरों के क्षेत्र को भी शामिल किया जा सकता है। वर्तमान में नगर विकास न्यास कोटा के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत तहसील लाड़पुर, तहसील तारेना, जिला बूंदी के 14 राजस्व गांव आते हैं और इसी निरंतरता में इस क्षेत्र के भावी विकास, प्रस्तावित हवाई अड्डा और नॉर्दर्न बाईपास के दृष्टिगत रखते हुए तालेड़ा व केशवराय पाटन के राजस्व गांवों को कोटा रीजन में शामिल किया जाना आवश्यक समझा गया है ताकि नगर की परिधि में अवांछनीय विकास पर नियंत्रण हो सके। प्रस्तावित कोटा रीजन में कुल प्रस्तावित 292 राजस्व गांवों में से तालेड़ा के 48 गांव और राजस्व गांव और तहसील केशवराय पाटन के बूंदी के 15 राजस्व गांव सम्मिलित किए गए हैं। अतः इस विधेयक के खंड 5 में प्रयुक्त अधिव्यक्ति 6 मास के लिए करने पर 3 मास की प्रस्तावित किए जाने का प्रस्ताव है। जयपुर विकास प्राधिकरण जो 1982 की धारा 5(1), जोधपुर विकास प्राधिकरण की 2000 की धारा 5(1) और अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 5(1) में 6 मास का ही उल्लेख है। उसी के अनुरूप ही प्रस्ताव विधेयक के रूप के खंड 5 में 6 मास की अवधि का प्रावधान रखा गया है। प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य रामनारायण मीणा द्वारा अलग अलग खंड में दिए गए संशोधन प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वो आ गए, वो विपक्ष में होकर ना गए, ना पक्ष जग जीता ना पक्ष जीता, रामनारायण जी मीणा द्वारा प्रस्तुत संशोधन सारे अस्वीकार किए गए। प्रश्न यह है कि कोटा विकास प्राधिकरण विधेयक 2023 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वो आ गए, जो विपक्ष में वो ना गए, हाँ पक्ष जीता कोटा विकास प्राधिकरण विधेयक 2023 को पारित किया गया। उदयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, शांति कुमार धारीवाल,